Hello friends, you are welcome in BHD Infotech. In this video, I explain you how to create or edit member status. Let's see guys, सबसे पहले हम login कर लेते हैं. यहाँ मैं already login हूँ, तो इसलिए मैं dashboard पर हूँ already. उसके बाद हम जाएंगे master module के अंदर हम जाएंगे prerequisite setup और उसके बाद हम जाएंगे member status पे. मेंबर स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ पे हम जो है मेंबर का स्टेटस क्रिएट कर देंगे. जैसे कि एक्टिव मेंबर का स्टेटस होता है यहाँ क्लब में, मैं यहाँ पे एक्टिव टेक्स्ट बना लेता हूँ और जो इसका रिमार्क है उसे 80 दे देता हूँ. अब मैं यहाँ पे ऐड पर क्लिक करूंगा, तो ऐड पर क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे पॉपअप ओपन हो जाता है. आर यू श्योर टू ऐड दिस रिकॉर्ड, इसे मैं यस कर दूंगा. यस करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आता है ऑपरेशन सक्सेसफुल, इसे मैं ओके कर दूंगा. So guys, in this video, I explain you how to create membership status. और अब हम इसी में देखेंगे जो membership का status है उसे edit कैसे करते हैं. हम यही जाएंगे prerequisite setup में member status के अंदर, और यहाँ पे देखो आपको ना edit का button दिख रहा है. यहाँ मैं edit पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो है data यहाँ पे दिख जाता है. अब यहाँ पे सर्च करने के लिए यहाँ पे दो फिल्टर दे रखे हैं, कोड के बेस पे और नेम के बेस पे. तो गाइस आप यहाँ पे नेम के बेस पे सर्च कर सकते हो और कोड के बेस पे सर्च कर सकते हो. अभी जैसे मैंने स्टेटस बनाया था एक्टिव टेस्ट के नाम से, अब मैं इसे एडिट कर देता हूँ. यहाँ पे मैं इसे बना देता हूँ टेस्ट और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ. तो यहाँ पे देखो मुझे एक पॉपअप में मैसेज आया, आर यू श्योर टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, उसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल. तो अभी आपने देखा इसमें कि मैंने एडिट करके उसे अपडेट भी कर दिया है. तो गाइस इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा मेंबरशिप का जो स्टेटस होता है वो हम कैसे ऐड करेंगे, और अगर हमें कोई स्टेटस हमें एडिट करना है तो वो हम कैसे एडिट करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.